केक चोरे नहींची पोड़ पिठार स्वाद व्हाट्सएप हजे नहींची राति अधर नीत आमे जेतेबेले रास्तारे जाऊ कोनोसी दोकान हो जो कोनोसी भी दोकान आमे रास्तारे देखु इंग्लिश रे लेखा हे थाए आमे देखि देखि जाऊ वर्तमान आमे गोटे पाइचु जे नाम फलक जोटा कि आमे ओडिया रे लेखा हबो जेतेबेले आमे चालीबा रास्तारे चारियाडे ओडिया ओडिया देखिबा कोठ ना कोठी आमो मुंड भितरे कोठ ना कोठी गोटे सिंह रे उठिबो कि आमे ओडिया सेथि पई ए जिनसोटी करा हेछि कि सर्वप्रथमे तो मु पीपीएल ओडियार आमर निर्देशिका लिप्सा मैडम एवं तांको पछरे थिबा तांको प्रेरणा देउथिबा पुरुष रघु बाबू एवं पीपीएल ओडियार समस्त कर्मकर्तांकु धन्यवाद साधुवाद जणउछि एवं आज आपण 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करुछन्ती एटा बहुत सुंदर विषय मंचरे मो सहित जो अतिथि माने अछन्ती सेई मानुकु देखिले तो सबु ओडिया गर्व करंती एवं मु भाबुची निहाती भाबरे आज आम सहित जो माने उपस्थित अछंती जेहेतु कार्यक्रम ही रहिची ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति आमर जीवन शैली को नै तणु करी ओडिसा को एवं ओडिया भाषा को भल पाउथुबा समस्त व्यक्ति माने आम सहित उपस्थित अछंती आपण जो प्रश्नटी पचारिले जे एबे जो गोटे नोटिफिकेशन करा जायची गवर्नमेंट तरफ रु जे फळकरे ओडिया ना रहिब केवल इंग्लिश रे लेखिले हेब नाही एटा गोटे सुंदर निष्पत्ति आपण जेतेबेले अन्य स्टेट कु जिबे सेतेबेले आपण दुकान सामनारे ठियाई मध्ये जानि पारनथिबे जे एटा केउ दुकान जेहेतु तांकर रिजियोनल लैंग्वेज रे से सब लेखा हेथाय किंतु ओडिसा रे गोटे डेविएशन थिला जे प्रायतः आमर दुकान सामनारे इंग्लिश रे लेखा जायथाय जदि के सहृदय व्यक्ति ओडिसा को एवं ओडिया भाषा को भल पाउथवा व्यक्ति थांती ताहले से ओडिया रे लेखि थांती किंतु ए जो बाध्यतामूलक गोटे कार्यक्रम सरकार निष्पत्ति नै चंती जे बाध्य रे आपण लेखिबे फलक एइटा आम भाषा को एवं ओडिया हबार स्वाभिमान को गुरुत्व देबा पई ए निष्पत्ति टि निया जायछि एवं मु सेथि पई राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करिबी तापरे मु जाने पई चाहिबी ओडिया भाषा गोटे छुआ को आमे छोट बेलू केमिति बढ़ेबा से ओडिया भाषा को सम्मान दबा जानिबो ओडिया भाषा कहिबा आगुरु ताको लाज लागिबो नाही जेते बेले आपण छुआंक पई गोटे प्रश्न पचार छथि मो मन को गोटे छोटिया कविता आसुची आपण केही को हृदय को नेबे नाही किंतु वास्तव रे जहां हेउची मु से विषय रे कहिबी काहीकि ना छुआंकर आजिकाल आज्ञा गुड मॉर्निंग एवं गुड नाइट एटा माँ बापा को विश करिकिरि हो नाही सोशल मीडिया रा स्टेटस चेक करिकिरि एवं मते केते जणो व्हाट्सएप रे पठेई चंती मु तांको केमिति रिप्लाय देबी एटा हेउची छुआ मानकर वर्तमान रो गोटे जीवनचर्या पाल्टी जायछि मु एई बार्ताटा केवल आमर नेक्स्ट जेनेरेशन एवं छोट छुआ मानक पाखकु पई देबी जो माने टीनेजर्स अछंती जो माने समाज को आगु को नबार क्षमता रखी चंती ए कविताटा मु बहुत वर्ष पूर्वे लेखिथिली केक चोरई नैछि पोड़ पिठार स्वाद व्हाट्सएप हजै नैछि राति अधर नीत पारि हेउछु आमे सोशल मीडिया रो ह्रद फास्टफुड कण फेरै दबो से पखाळ कंसार आनंद अतिथिंकु देखिले आमे करि देउछु हालो भाई किंतु आमर संस्कृति कला को बेले बेले करि देउछु टाटा बाय बाय व्यवहार करुछु आमे वाईफाई स्टाइल आमर बहुत हाईफाई मने रखिचु आमे 2G 3G 4G किंतु पासुरी जाउचु सुभाष चंद्र एवं गांधीजी कथा हला सोशल मीडिया रे आमे एते व्यस्त रही जदि सोशल रेस्पोंसिबिलिटी एवं आम समाज को गढ़ी थिबा सही महान व्यक्तित्व मानंकु भूली जिबा ताहले आमे केबे भी गोटिए संपूर्ण मनीष बोली आमे निजकु कहि परिबा नाही केवल जे पाठ पढ़ी सर्टिफिकेट हासिल करी पैसा रोजगार करिबा एहा आमर लक्ष्य नुह छुआ माने बड़ मनीष हेबा सहित भल मनीष हेबा दरकार एवं भल मनीष केते बेले हेबे जेते बेले से माने तांकर सोशल रेस्पोंसिबिलिटी जानिबे सामाजिक दायित्व बोध बुझि परिबे समाज को गढ़ी तोलुथिबा मनीष मानकु सम्मान दे जानिबे आज गोटे छोटिया इनसीडेंट सकाळे हेतला आज आपण समस्त जानिचंती प्रभात पुरुष बिजु बाबूंकर श्राद्ध दिवस एई अवसर रे मु जाईथिली
ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ସେଇଠି ଡାକୋଟା ବିମାନ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନେବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଲି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଫଟୋ ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଫଟୋ ନେଲା ପରେ ଛୁଆଟି ପଚାରିଲା ବାବା ଆମେ ଯୋଉ ଫଟୋ ନେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଆମେ ଏଠିକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ବାପା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିକିରି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଡାକୋଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଦି ଚାରି ପଦ ଛୁଆଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଲେ। ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାପା ମା ମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେ ପୁରା ରିସୋର୍ସଫୁଲ ତାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ବତେଇବା ତାହେଲେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା କଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ପଖାଳ ଦିବସ, ପୋଡ଼ପିଠା ଦିବସ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁଦିନ ଖାଉଥିଲୁ, ଆମ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପଖାଳ ଦିବସ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଆମେ ଯଦି ଆଜି ବି ଯୋଉ ଖରା ଗରମ ହଉଛୁ, ଖରା ଗରମ ହଉଛି ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇକିରି ହିଁ ଘରୁ ବାହାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଦିବସରେ ଆମେ କନଫାଇନ୍ ନ ନେଇକି ରହିକିରି ଆମର ଯୋଉଟା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ପିନ୍ଧିବାର ଯୋଉଟା ଆମର ଇକତ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ମନରେ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ବି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ହେଇପାରିବ।